जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आइए हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना समय ले रहा है जितना एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। ठीक है, कार 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करती है उतनी देर में लड़का भाग के कितना दूरी तय करेगा। एक लड़का है और एक कार है, बॉय और कार। प्रश्न करेगा 10 मीटर भागने में जितना समय जो लड़का उतना ले रहा है उतना ही समय में जो कार है वो 25 मीटर चल जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ रेशियो भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी अगर मेरा चाल समय जो है अगर समान रहे तो चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो मेरा समान रहेगा। जब समय समान रहे, समय और बराबर है, तो चाल का रेशियो और दूरी के रेशियो दोनों समान रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो कार है 1000 मीटर कहिए इसको भागे में, और एक देखिए बाय जो 10 मीटर जितना समय ले रहा है उतना में कितना कार कितना चल रहा है 25 मीटर, कार चल रहा है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, तो इससे कितना गुना है। इसे हम डिवाइड करें तो 25 को 100 यानी 40 गुना, यह 40 गुना है। समय कितना रहे, जो भी मेरा समय कार या आदमी ले बॉय जो है ले रहा है उसे 40 गुना समय ले रहा है 1000 मीटर चलने में, उसे 40 गुना समय लेगा। तो इसके भी अगर 40 से गुना करें तो मैं इसका 40 गुना होगा, तो 140 गुने अगर 10 करें तो कितना 400 मीटर बॉय चलेगा। आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए एक लड़का 10 मीटर जितना देर में चलता है उतना देर में कार जो है 25 मीटर चल जा रहा है। ठीक है, कार को चलाना है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, तो इससे कितना समय ले रहा है, इससे 40 गुना अधिक समय लेगा। और मान लीजिए कि कार जो है 1 मिनट में चल रहा है 25 मीटर, 1 मिनट में कार चल रहा है 25 मीटर, तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट में 1000 मीटर चलेगा। तो मैं दोनों जगह तो मेरा समय समान है, यहाँ भी समय है, और समान समय में चलने के लिए इसे इसका भी 40 गुना करेंगे हम, तो जो बॉय है कितना चलेगा 400 मीटर चलेगा। ठीक है, जितना समय में कार जो है 1000 मीटर चलेगा उतना समय में जो लड़का है 400 मीटर चलेगा। ठीक है, ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर दूरी तय दूरी वह कितनी देर में पार कर पाए करेगा। मोहन एक साइकिल चला रहा है, उसका स्पीड कितना है, चाल है 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर जा रहा है, उसे जाना है 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर उसे दूरी तय करना है। कह रहा है क्या कि हर 10 किलोमीटर पर वह 20 मिनट आराम करता है, किलोमीटर पर 20 मिनट वह आराम करता है। ठीक है, कौन है, देखिए मोहन जा रहा है, एक साइकिल चला रहा है, उसका स्पीड कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर जा रहा है, उसे जाना कितना है 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है। तो देखिए और समय हमको निकलना है, पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकलना हो समय का बराबर दूरी बट्टा चाल, जाना कितना है 40 किलोमीटर, उसका स्पीड कितना है 8, यानी अगर डिवाइड करें 8 से 40 में तो 8.40 यानी 5 घंटा। देखिए एक तो मेरा कहीं बीच में नहीं रुकता तो 5 घंटे में वो अपना स्थान पर पहुंच जाता। ठीक है, मान लीजिए घर से कोचिंग जा रहा है, उसका स्पीड थी उसका कोचिंग की दूरी अगर 40 किलोमीटर है तो प्रति घंटा साइकिल चला रहा है 8 किलोमीटर, तो कितने समय में 5 घंटा पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 घंटा में पहुंच जाता। कह रहा कि हर 10 किलोमीटर पर वह जो 20 मिनट आराम करता है, और नहीं रुका तब तो 5 घंटा पहुँचता है, वो बीच में रुक रहा है तो उसका समय अधिक लगेगा। तो हर 10 किलोमीटर पर वह 20 मिनट आराम कर रहा है अगर, तो इसमें कितना बढ़ रहा है, और 10 देखिए कितना और 10 का जोड़ी कितना बनेगा, 40 को और हम 10 से डिवाइड कर दें कितना, 4 बार में कटेगा, यानी 4 बार रुकेगा। 4 बार कब रुकेगा, वो लास्ट वाला का भी जोड़ा है, पूरा पूरा नहीं मेरा करता, पूरा पूरा कट गया
तो ये मेरा लास्ट लास्ट को भी जोड़ लिया है। तो जब हम जगह पहुँचेंगे तो हम 10 मिनट आराम करने से क्या फ़ायदा, वहाँ तो हम अपना जगह पहुँच गए तो आधा घंटा एक घंटा कितना भी बढ़ सकते हैं। जहाँ हमको पहुँचना है, मान लीजिए कुछ ही पहुँचना है या रूम पर पहुँचना है, तो हम रूम पर पहुँच गए तो आराम तो आराम ही करना है, उसमें टाइम से क्या मतलब है। हम 10 मिनट आराम ही करें, बीच में जो आराम कर रहा है 10 मिनट आराम कर रहा है, जब बीच में आराम कर रहा है तो जो भी वह जो जगह पहुँचने से पहले कितना आराम किया है, तो चार का जोड़ी बना है, जो पूरा पूरा कटा है तो यानी पूरा जो लास्ट पहुँचा है उसका भी ले लिया है। तो इसके पहले एक यानी तीन बार बीच में रुका है, तीन बार वो बीच में रुका है, तीन बार बीच में रुका है, तो प्रत्येक बार कितना बार रुका है 20 मिनट, और 20 मिनट और 20 से हम गुना करते हैं कितना, यानी 60 मिनट, 60 मिनट यानी एक घंटा वो रुका है बीच में, एक घंटा रुका है, तो 5 घंटा पूरा दूरी तय करा है और एक घंटा बीच में रुका है, यानी कितना टोटल कितना हुआ, 6 घंटा, टोटल 6 घंटा। चलिए थोड़ा फिर से समझते हैं, हमें कोचिंग जाना होता है या रूम पाना है, ठीक है। हम मान लीजिए हम कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग मेरा दूरी 40 किलोमीटर दूरी है, तो प्रति घंटा हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से चला रहे हैं साइकिल, तो 10 किलोमीटर जाने पर हम 20 मिनट आराम कर रहे हैं, तो 20 मिनट आराम, तो जो बीच में दूरी पड़ेगा उसी में आराम करेंगे, और जब हम कोचिंग पहुँच जाएंगे तो वहाँ तो अपन जो काम रहेगा वो करेंगे, अब आराम करें वहाँ गए हैं जिसके उद्देश्य हम गए हैं, आराम करने गए हैं पढ़ने गए हैं उसका मैटर नहीं करता है। हम जगह पहुँचना था तो हम जगह तो पहुँच ही गए, ठीक है। तो जो बीच में मेरा दूरी पड़ेगा, जो भी जितना 8-10 किलोमीटर के दूरी पर आराम कर रहे हैं या 5 किलोमीटर की दूरी पर आराम कर रहे हैं, तो जो भी बीच में दूरी पड़ेगा उसी में आराम कर रहे हैं। जगह पहुँचने में कितना दूरी बढ़ रहा है, तो 10 और मान लिए हम 40 किलोमीटर हम जाना है, तो पहले 10 किलोमीटर चले उसके बाद 20 मिनट आराम करें, 10 किलोमीटर बाद फिर 10 किलोमीटर चले तो कितना 20 किलोमीटर हो गया, फिर 20 मिनट आराम किए, फिर उसके बाद फिर 10 किलोमीटर चले कितना 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर दूरी चल गए हैं, तो फिर 20 मिनट आराम किए, पहले 10 किलोमीटर चले उसके बाद 20 मिनट आराम किए, उसके बाद फिर साइकिल चलाना चालू किए हम, तो फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए उसके बाद फिर 20 मिनट आराम किए, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर चले हैं, 20 मिनट आराम करने के बाद जब एनर्जी मिल गया तो फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, फिर 20 मिनट रुके हैं, उसके बाद जब अगला बार 40 किलोमीटर हमको 10 किलोमीटर और चलते तो आराम करना है, 10 किलोमीटर और हम दूरी तय करते हैं तो 20 मिनट और आराम करते हैं, जब 10 किलोमीटर हम दूरी तय किए तो मालूम चला कि जितना हम जहाँ पहुँचना था यानी 40 किलोमीटर हमको दूरी तय करना था, 40 किलोमीटर दूरी तय करना था, तो वो तो हम दूरी कर चुके हैं, तो फिर हम आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना जगह पर जिस उद्देश्य से पहुँचे हैं वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा बीच का जो मेरा बीच में आराम करने का जो मेरा दूरी बचा उसी में आराम करेंगे, यानी 60 मिनट या एक घंटा, ठीक है। तो कहीं हम आराम नहीं करते हैं तो मेरा 5 घंटा लगता और बीच में एक घंटा आराम किए हैं, 20-20 मिनट करके तीन बार आराम किए हैं तो यानी टोटल एक घंटा हुआ, तो 5 × 6 घंटा टोटल हम आराम थी समय हमको जाने में पहुँचने में लगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है, वह 12.5 किलोमीटर की गति से चलता है, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, वह सारी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा। बस उसी तरह का प्रश्न है, एक व्यक्ति है उसको 50 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है, 50 किलोमीटर दूरी का तय करना है, उसका चाल कितना है, चाल है 12.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी 12.5 घंटा, 12.5 घंटा का ही है, 25/2 घंटा का ही है, 25/2 किलोमीटर पर घंटा का ही है, ठीक है। मेरा स्पीड आ गया, कह रहा कि 12.5 किलोमीटर जाने के बाद, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर जाने के बाद, पहला बार 12.5 किलोमीटर जाने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, ठीक है, 12.5 किलोमीटर जाने के बाद 20 मिनट आराम करता है, तो टोटल कितना समय लगेगा। तो मेरा दूरी कितना तय करना है, 50 किलोमीटर, समय बराबर अभी देखा था, समय का फॉर्मूला क्या था, समय बराबर दूरी बटा चार, दूरी कितना मेरा है 50, मेरा कहीं आराम नहीं करता तो मेरा कितना समय लगता है, 50 किलोमीटर जाना है, उसका स्पीड कितना है 25/2, और 2 को जब बट्टा में है तो इसका हम ऊपर लिख लेंगे, गुने 2, 25 × 50 यानी 4 घंटा, 2 × 4 4 घंटा लगता है उसे, 50 किलोमीटर हम जाना है,
और 12.5 किलोमीटर मेरा स्पीड अगर है तो हम कहीं बीच में नहीं रोकते तो मेरा 4 घंटा में अपनी जगह पर पहुँच जाता है। ठीक है, कह रहा कि 12.5 किलोमीटर जाने पर वह 20 मिनट रुकता है, तो 12.5 सब इसमें डिवाइड करें तो 50 में 12.5 क्या लगता है, 25/2, 25 के ऊपर आएगा 2, तो 25 × 2 = 50 यानी 4 बार रुकता, 4 बार करो यानी पूरे कट रहा है मेरा, तो पूरे कट यानी लास्ट को भी समय को जोड़ा है, जो भी मेरा जोड़ी बनेगा तो सारे लास्ट करो, तो इसके में एक घटा लेंगे हम तो कितना होगा, 3 बार रुके बीच में, 3 बार बीच में रुकेगा, प्रत्येक कितना रुक रहा है 20 मिनट यानी 60 मिनट, और कहीं रोकते नहीं तो मेरा 4 घंटा लगता, और एक मैंने 60 मिनट यानी एक घंटा और रोक रहे हैं, तो 4 घंटा प्लस 1 घंटा रोक रहे हैं यानी टोटल कितना है, 5 घंटा टोटल हमको जगह पहुंचने में 5 घंटा समय लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप जोड़ी भी बना सकते हैं, देखिए कह रहा कि 12.5 किलोमीटर जाने पर 12.5 किलोमीटर जाने पर वह 20 मिनट आराम करता है। ठीक है, उसके बाद आराम कर लिए, उसके बाद फिर चला 12.5 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर तो उसके बाद फिर कितना रुका, 20 मिनट, उसके बाद फिर 12.5 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर कितना रुका, 12.5 किलोमीटर चला तो फिर 20 मिनट रुका, टोटल कितना हो गया, बढ़ते 37.5 किलोमीटर 37.5 किलोमीटर मेरा हो गया, बच्चा कितना 12.5 किलोमीटर और बचा, तो 12.5 किलोमीटर 20 मिनट आराम करने के बाद 12.5 किलोमीटर और चला, 12.5 किलोमीटर और चला है, जब 12.5 किलोमीटर और चला है तो अपने जगह पहुंच गए, जब जगह पर पहुंच गए तो उसे आराम करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने काम करें जो जिस उद्देश्य से गया है वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो जो मेरा बीच में आता है उसी को जोड़ते हैं, जितना जो विश्राम करेगा जो बीच का जोड़ी आएगा उसी को जोड़ कर ऐड करेंगे। ठीक है, तो 20 + 20 = 40 + 20 = 60 यानी 60 मिनट, 60 मिनट कहिए या 1 घंटा कहिए। ठीक है, 4 घंटा पहले लग रहा था और 1 घंटा अब लगा, जो 1 घंटा वो टोटल मिला के आराम किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है, वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है, तो यात्रा की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ थोड़ा टाइप चेंज है, प्रश्न कर रहा है देखिए, मेरा टोटल समय दिया है, समय कितना दिया है, टोटल हमको समय लग रहा है 5 घंटा, मेरा चाल दिया है, स्पीड दिया है, चाल पहले दिया है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कहे टोटल दूरी क्या है, हमको दूरी नहीं मालूम है। देखिए अब मान लीजिए स्थान ए से स्थान बी तक जाना है, स्थान ए से स्थान बी तक जाना है, मान लीजिए पूरा दूरी हमको एक से पूरा दूरी एक किलोमीटर है। देखिए तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यही होता है, हमको दूरी मालूम है। प्रश्न कह रहा है 2/3 भाग 40 किलोमीटर जाता है, देखिए हमको समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, टोटल हमको समय दिया है, टोटल जाने टोटल दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा, तो जो मेरा दूरी है कितना है, एक्स का 2/3 भाग, 2/3 भाग किस स्पीड चल रहा है, 40 का स्पीड चल रहा है, बच्चा कितना भाग है, अब हम दो बटा तीन भाग 40 से जा रहा है तो बचा कितना, इसमें से मिला इसमें से हम 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/3 भाग, 1/3 भाग आ गया, तो बचा हुआ कितना भाग है, टोटल दूरी का 2/3 भाग 40 किलोमीटर जा रहा है स्पीड से, बचा हुआ कितना, 1/3 भाग, तीन भाग जा रहा कितने से, 60 का स्पीड से, तो टोटल समय कितना लग रहा है। देखिए टोटल दूरी में हम 4 से भागा दिए प्लस टोटल दूरी में 4 से भागा दिए हैं, तो मैं यहाँ जो टोटल समय आएगा तो टोटल किससे बराबर है, 5 घंटा का बराबर है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 120 × 36, अब काट भी सकते हैं, 2 से काटा 20 यानी कितना आ गया, 1/60 20/60 प्लस 1/180 बराबर 5, एलसीएम कितना आएगा, 180,
थ्री एक्स प्लस एक्स बराबर 5, तो टोटल कितना का 4x, 4x बराबर 5 गुने 180, 4 से काट रहे हैं, 4 × 16, 5 × 20, 45, x बराबर 45 में 5 गुने करते हैं तो 5 × 25, 5 × 20 22, 225 किलोमीटर। एक से हम किसे मानते हैं टोटल दूरी को, तो टोटल दूरी में कितना गया 225 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यदि उससे कुल 42 मिनट लगे तो कुल दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ अभी जिस तरह प्रश्न देखा था उसी टाइप का भी है प्रश्न कर रहेगा। टोटल दूरी हमको मालूम नहीं है, टोटल दूरी निकालना है। मान लीजिए अगर स्थान ए से स्थान बी तक जा रहा है, टोटल दूरी को मान लीजिए एक्स, टोटल दूरी को मान लीजिए एक्स किलोमीटर है, तो मैं टोटल समय कितना है, समय 42 मिनट, और हम घंटा में बदले तो बटा में 60 से भागा करेंगे, ठीक है। चाल दिया है, चाल दो चाल दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दो मिनट चाल दिया हुआ। प्रश्न कर रहा है 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, टोटल दूरी अगर एक्स है तो इसका 2/3 कितना होगा, 2x/3, बचा कितना है, इसको कितना किस स्पीड से रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 4 से भगा दीजिए, प्लस बचा 2/3 है तो बचा कितना है 1/3। अब एक लिखिए या नहीं लिखिए, और एक से गुना करेंगे तो एक से आएगा, ठीक है। अब स्पीड चल रहा है 5 से, तो टोटल कितना समय लगेगा, 42/60, ये घंटा में आ गया। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से काट दीजिए इसको, कितना 2 यानी एक, कितना है 1/6 प्लस 3 था तो 1/15, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 30, बराबर में कितना था 42/60, इसका एलसीएम आएगा कितना 30, 6×5 तो 5x प्लस 15×3, 2x/42/60, यह काटते हैं 30×60 दो बार में। अब जोड़ भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5×2 7, 7×6 42, 3 यानी x बार कितना आएगा 3 किलोमीटर, या अभी साल भी काट सकते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। अब इनमें टोटल कितना आएगा 7x/30/42/60, अब यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं तो 30×60, 21×42, 21 बार में 7 से कटा है 7×21, तो x बराबर के मान कितना आएगा, x बराबर 3 किलोमीटर। पूछ रहा था दूरी, तो दूरी हम माने थे x को, टोटल दूरी को हम x माने हैं, तो कितना समय थी, कितना दूरी आएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।